नमस्कार एंड वेलकम। अगर आप आईटीआई कर रखा है या डिप्लोमा कर रखा है इलेक्ट्रिकल में, या आप किसी कारणवश पढ़ाई नहीं कर पाए, बीच में छूट गया है, लेकिन आप इलेक्ट्रिकल या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन का कार्य में रुचि रखते हैं या काम करते हैं, लेकिन काम करते वक्त आपके मन में कुछ शंका रह जाता है, कुछ डाउट्स क्लियर नहीं हो पाता है, तो आप सभी के लिए मैं सिलसिलेवार तरीके से थ्योरी और प्रैक्टिकल का जानकारी लेकर आपके सामने आऊँगा। मेरा 35 साल का अनुभव से मैं आपको मेरा सारा ज्ञान आपको देना चाहता हूँ। तो आज का जो टॉपिक है, बिजली क्या है, बिजली क्या है, अगर किसी को पूछेंगे तो स्वाभाविक रूप से जवाब देगा कि बिजली एक ऐसा ऊर्जा है जिससे हमारे घर का पंखा चलता है, फ्रिज बिजली से चलने वाले सामान है, कूलर प्रेस सब चलता है। बिल्कुल बिजली एक ऊर्जा है, जैसे ऊष्मा गर्मी या रोशनी एक ऊर्जा है जिसे देखा या महसूस किया जा सकता है, ऐसे ही बिजली एक ऊर्जा है। लेकिन ये तारों में बहकर मेरे घर कैसे आता है, वो तारों के अंदर होता क्या है, बिजली को देखा नहीं जा सकता है और इसे महसूस करने का कोशिश मत करिए क्योंकि ये खतरनाक हो सकता है। ज्ञान की आंखों से इसे देखा जरूर जा सकता है। तो आइए हम आज समझते हैं बिजली क्या है, ये इलेक्ट्रिसिटी क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, बिजली क्या है। इसको समझने से पहले थोड़ा सा भौतिकी यानी फिजिक्स जानने के लिए बोलूँगा। तो आइए पदार्थ या अंग्रेजी में मैटर कहते हैं, ये देखिए यह एक प्लास्टिक का टुकड़ा है, यह एक लोहे का टुकड़ा है, कोई भी पदार्थ का एक टुकड़ा ले लीजिए आप, ये एक साबुन का टुकड़ा है, इसको आप टुकड़ा छोटे छोटे और टुकड़ा करेंगे और छोटे छोटे टुकड़ा करेंगे तो छोटा से छोटा होते जाएगा, तो उसको उसके अंदर क्या है, आइए इसे कुछ इस तरीके से समझते हैं। भी पदार्थ का ये एक छोटा टुकड़ा है, तो ये इसको अगर और छोटा टुकड़ा करेंगे तो देखेंगे कि ये छोटे 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 ऐसा छोटे छोटे कण से, छोटे छोटे टुकड़ों से ये बना हुआ है, जैसे कि कोई चीज ठोस है सॉलिड, तो इसका जो ये छोटे छोटे कण है ये पास पास होता है इसीलिए ये ठोस होता है। तो ये छोटे छोटे कण जो है इसको बोलते हैं मॉलिक्यूल या अणु, सटा हुआ रहता है तो ये ठोस बन जाता है। वही चीज तरल में या लिक्विड में अगर रहता है थोड़ा दूर दूर रहता है, और यही अणु जब गैस में होता है तो वो और दूर में होता है। तो किसी भी पदार्थ को जो हम जब हम गर्म करते हैं तो ये मॉलिक्यूल यानी अणु दूर दूर हट जाता है तो तरल बन जाता है, और गर्म किया और दूर चला गया तो गैस बन जाता है। इसका उल्टा, अगर गैस को हम ठंडा करेंगे तो तरल बनेगा और तरल को अगर ठंडा करेंगे तो ये सॉलिड बनेगा। तो जो ये अंदर में छोटे छोटे अणु है या मॉलिक्यूल है उसको समझते हैं। एक अणु को ये यहां समझते हैं, ये मान लीजिए ये छोटा सा जो कण है ये एक अणु है। तो अणु को भी अगर तोड़ेंगे उसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर फिर आपको मिलेंगे परमाणु यानी एटम या, तो एक या एक से अधिक परमाणु से एक अणु बनता है। तो एक अणु के अंदर परमाणु की संख्या एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा हो सकता है। तो ये जो एटम है, अब यहां से बिजली का संबंध शुरू होता है। तो बिजली समझने के लिए कि भाई ये एटम के अंदर क्या है वो जानना है, तो आइए एक एटम, यहां पे ये एटम है, एटम के अंदर होता क्या है कि बीच में नाभिक या न्यूक्लियस होता है जहां पे दो चीज रहता है, एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वो बीच में रहता है और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है, बाहर में ऐसे चक्कर काटते हुए मिलेंगे, जैसे सौरमंडल में सूरज बीच में रहता है और सारे ग्रह चारों ओर चक्कर काटते रहता है, ठीक उसी तरह एटम यानी परमाणु के अंदर में
बीच में प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहता है और चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर काटते रहता है। आइए इसी को थोड़ा सा इस तरह समझते हैं कि ये एटॉमिक स्ट्रक्चर या पारमाणविक संरचना। तो जैसे बताया मैं, तो बीच में न्यूक्लियस, यहाँ पे आप देख रहे हैं, थोड़ा सा नजदीक करके दिखा दूं आपको, कुछ प्लस का सिंबल हमने लगाया। तो बीच में जो न्यूट्रॉन रहता है वो उसमें कोई चार्ज नहीं रहता है, और जो प्रोटॉन रहता है वो पॉजिटिवली चार्ज रहता है। तो यहां पे हमने जो जहां जहां प्लस लिख के रखा है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये प्लस लिखा है। तो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज रहता है और न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं रहता है। और जो बाहरी कक्ष में ये ऑर्बिट, इसको ऑर्बिट बोलते हैं, ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो नेगेटिव चार्ज रहता है। तो यहां पे अगर ये नेगेटिव पॉजिटिव है तो बिजली यहां पे क्यों नहीं है? जितनी संख्या में प्रोटॉन है उतने संख्या में इलेक्ट्रॉन रहता है, तो एक दूसरे में जुड़ के वो निष्क्रिय हो जाता है और इसीलिए कोई ऊर्जा वहां से बन नहीं पाता है। ध्यान रखना है कि जो प्रोटॉन है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। ये जो कक्ष है, ये जो ऑर्बिट्स है, इसमें पहले ऑर्बिट में देखिए 2, दूसरे ऑर्बिट में 8, तीसरे ऑर्बिट में 18, ऐसा करके अलग अलग ऑर्बिट में, कक्ष में अलग अलग संख्या में इलेक्ट्रॉन रहता है। तो कितना रहता है ये 2n² से आप समझ सकते हैं। तो मान लीजिए कि हमको चौथे वाले में कितना रहेगा, 2 × 4² तो 4 × 4 = 16, 16 × 32, तो चौथे वाले ऑर्बिट में 32 जो है 32 इलेक्ट्रॉन होगा। ये हो गया आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर या परमाणविक संरचना, एटम के अंदर ऐसा रहता है। अलग अलग पदार्थ में ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो अलग अलग होगा, जाहिर है, लोहे का अलग होगा, तांबे का अलग होगा, सोने का अलग होगा, सबका अलग अलग होगा। इसके बाद इनको थोड़ा सा और समझ। तो ये जो ऑर्बिट यानी कक्ष है, पहले कक्ष में 2, दूसरे में 8, 18 ऐसा रहेगा। तो मान लीजिए कोई भी पदार्थ का ये इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 है, तो पहले कक्ष में 2 और दूसरे में 8, कितना हो गया, 10 हो गया, और कुछ बचा नहीं। तो किसी पदार्थ का इलेक्ट्रॉन की संख्या ऐसा हो जिसमें अंदर से पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, चौथा ऑर्बिट भरते हुए आए और आखिरी वाला ऑर्बिट भी भर गया, एक भी बचा नहीं, बाहर वाला ऑर्बिट में एक भी बचा नहीं, जितना चाहिए उतना ही है, इसमें जितना चाहिए भर दिया, इसमें जितना चाहिए भर दिया, तीसरे में चौथे सब कर, आखिरी वाला ऑर्बिट में जितना चाहिए उतना आ गया, ना एक ज्यादा ना एक कम। अगर किसी पदार्थ का एटॉमिक स्ट्रक्चर पारमाणविक संरचना में ऐसा पाया जाता है तो इसमें बिजली बिल्कुल बह नहीं सकता, बाहर वाला ऑर्बिट में जितना चाहिए उतना इलेक्ट्रॉन की संख्या मौजूद है, तो उस पदार्थ में बिजली बह नहीं सकता है। जैसे लकड़ी, रबर, कागज, इसका अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर पारमाणविक संरचना देखेंगे तो आपको मिलेगा कि सबसे बाहर वाला ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जितना चाहिए उतना भरा हुआ है। ऐसा पदार्थ को हम बोलते हैं इंसुलेटर, जिसमें बिजली बह नहीं सकता है। लेकिन किसी पदार्थ का इलेक्ट्रॉन की संख्या ऐसा हो कि अंदर भरते 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 आए, आखिरी वाला ऑर्बिट को भरने के बाद एक या दो बज गया, तो जाहिर है कि अंदर के ऑर्बिट्स में वो जा नहीं सकता है, तो उससे बाहर जो ऑर्बिट है उसमें उसको रहना पड़ेगा, वो चाहे अकेला रहे या 2 या 3, जो भी बचेगा, या अकेला है या अकेला रहना पड़ेगा इसको। तो किसी पदार्थ का एटॉमिक स्ट्रक्चर में अगर ऐसा पाया जाता है कि सबसे बाहर वाले ऑर्बिट में एक या दो कम संख्या में इलेक्ट्रॉन मौजूद हो जिसे किसी ताकत लगाकर हटाया जा सकता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। ये फ्री इलेक्ट्रॉन, और इस तरह के पदार्थ में बिजली बह सकता है। तो ये हो गया कंडक्टर। तो जिस पदार्थ के एटॉमिक स्ट्रक्चर में फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है उसे हम बोलते हैं कंडक्टर, और जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहता
उसे बोलते हैं इंसुलेटर। मान लीजिए ये एक कोई पदार्थ या एक कॉपर का वायर है, कॉपर का वायर है, ये कंडक्टर है जिसमें बिजली बह सकता है, ऐसा एक हमने ले लिया। अब क्या है, हमने बोला कि भाई ये कंडक्टर है तो जाहिर है कि इसका इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है इसको अपनी जगह से एक ही ताकत है जो अपनी जगह से इसको हटा सकता है, वो है चुंबक। चुंबक यानी मैग्नेट। मैग्नेट के ताकत से हम इस फ्री इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह में हटा सकते हैं। कंडक्टर है तो क्या होगा कि बाहरी कक्ष में एक या दो है लेकिन उसमें रह सकता है 32 या फिर मान लिया 60 रह सकता है, 80 रह सकता है, लेकिन ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों बन गया, क्योंकि उस जितना वहां रह सकता है उससे कम है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से अगर यहां आ जाएगा तो कोई तकलीफ नहीं है, जगह है, यहां से ये कम हो जाएगा। तो चुंबक क्या करता है, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है इसको धक्का मार के इस बाजू वाले में कर देता है, ये इसमें कमी हो गया तो ये बाजू वाले से खींचता है और ये फिर आता है, फिर धक्का मारता है, फिर आगे धकेलते रहता है। तो ये चुंबक जो है ऐसे करके मूव कर रहा है और यहां का इलेक्ट्रॉन को धक्का मार के आगे भेज रहा है। तो यहां इलेक्ट्रॉन जो है इधर इधर में जमा होते जा रहा है और इधर में इलेक्ट्रॉन की कमी, तो इसको ऐसा समझते हैं थोड़ा सा। ये हमने यहां पे जनरेटर लिखा है कि भाई बिजली का जनरेटर में काम यही करता है, जो कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन है इसको धक्का इधर मारते रहता है। तो ऐसे करते करते जितने इलेक्ट्रॉन है नेगेटिवली चार्ज ये इधर आके जमा हो रहा है, और अब इधर में क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो मतलब पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन की संख्या बढ़ गया, इधर इलेक्ट्रॉन सारे इधर आ गया, तो इधर में जो बचा है इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई मतलब प्रोटॉन की संख्या बढ़ गया, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये इधर में इसको किसी किताब में होल्स भी बोलते हैं। तो ये हो गया आपका दो 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 बिंदु। अब क्या है कि जो बिजली हमारा यहां तक तो इलेक्ट्रॉन हमने जमा कर लिया और यहां इलेक्ट्रॉन का खालीपन है। आइए अब इलेक्ट्रॉन को हम कैसे इस्तेमाल करें, तो अब क्या है कि ये किसी भी कीमत में वापस यहां जाना, ये जो यहां पे जो होल जो इलेक्ट्रॉन की कमी है उस कमी को पूरा करने की कोशिश करेगा। तो हमने क्या किया कि भाई तू जा इधर से आके तू जा सकता है, लेकिन बीच में मेरा एक काम करते हुए जा, ये बल्ब के अंदर से जा। तो इलेक्ट्रॉन जैसे ये बल्ब के अंदर से जाएगा, ये बल्ब का जो अंदर में जो मेटल होता है उसका ये धर्म होता है कि उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो रोशनी बनेगा। तो यही इलेक्ट्रॉन इधर से ऐसे गया और मेरा लाइट जल गया। तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन यहां से इधर से गया। तो जनरेटर में हम क्या करते हैं कि वोल्टेज बिल्डअप करते हैं, वोल्टेज बनाते हैं। यहां पे इलेक्ट्रॉन पूरा मात्रा में आ गया और हम इसको अलग अलग कामों में इस्तेमाल में लेते हैं, चाहे वो बल्ब जलाना हो, पंखा चलाना हो या किसी भी काम के लिए। यहां पे पोटेंशियल, एक चीज यहां समझ लीजिए कि यहां कितनी मात्रा में इलेक्ट्रॉन मौजूद हुआ, जितनी मात्रा में ज्यादा होगा दबाव उतना ज्यादा होगा, है ना, और यहां जितना कमी होगा तो वहां पे उसको भूख, यहां पे इसको लेने का भूख पैदा होगा। तो क्या होता है कि यहां और यहां 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 से बाहर निकलना, यहां जो इलेक्ट्रॉन है ये बाहर निकलना चाहता है एक दबाव के साथ, संख्या जितना ज्यादा होगा दबाव उतना ज्यादा होगा, और यहां पे लेना चाहता है जितना इसमें खालीपन होगा ये उतना खींचेगा, ये छोड़ना चाहता है। ये दोनों के बीच में कोई भी, ये दोनों के बीच में जो दबाव का अंतर है उसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस, दबाव का अंतर, पोटेंशियल डिफरेंस। यहां पे इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज्यादा है और यहां इलेक्ट्रॉन की मात्रा कम है, तो ये दोनों का जो अंतर है उसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो जब हमने लाइट जलाया, पंखा चलाया, तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां से यहां से ये फ्लो हुआ। तो अगर इंटरव्यू में अभी आपको पूछता है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी क्या है, बिजली क्या है,
तो आपको सिर्फ एक लाइन में ये बोलना है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए पाथ इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। मतलब अगर किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन बहता है, उसको बिजली कहता है। इलेक्ट्रॉन बहता है तो क्या हुआ, जो पदार्थ के अंदर में सोया हुआ एनर्जी था उसको हमने चुंबक की सहायता से उसको बिजली वाला ऊर्जा में रूपांतरित किया और उसको इस्तेमाल किया। तो किसी भी तारों में, कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉन बहता है, तो उसे बिजली कहता है। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया कि बिजली क्या होता है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस के बारे में, साथ ही समझाऊंगा ओम्स लॉ। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाइए और घंटी को जरूर दबा दीजिए ताकि हमारा अगला वीडियो जब भी आए तो आपका नोटिफिकेशन चला जाए। मैं पूरा कोशिश करूँगा कि थ्योरी तथा प्रैक्टिकल की पूरी जानकारी आपको दे सकूँ और आपका कुशलता, आपका ज्ञान बढ़ा सकूँ।